फ्रेंड्स, देखिए स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और वो पूरी बॉडी को हमारे कवर अप करता है। स्किन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक लीजन्स होते हैं जिनके लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट इंजरी, और सनलाइट इंजरी नहीं भी हो तो भी स्किन का जो बेसिक लीजन होता है उसको हम कहते हैं डार्क स्किन। तो डार्कनेस प्रोड्यूस करने वाले तीन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ट्रीटमेंट के अंतर्गत लेते हैं। एक पिगमेंटेशन है, दूसरा टैनिंग है, और तीसरा फ्रैकल्स है, और फ्रैकल लाइक स्मॉल पिगमेंट्स। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। दूसरा पार्ट है जो आपकी स्किन को ख़राब करता है उसको हम कहते हैं टेक्सचर खराब होना। टेक्सचर खराब दो चीज़ों से होता है, एक स्किन के पतले होने से होता है, उसको हम कहते हैं थिनिंग डाउन ऑफ स्किन, और दूसरा टेक्सचर खराब होता है रिंकल्स से। तो रिंकल्स सनलाइट इंजरी के अंतर्गत भी होती है, और रिंकल्स नेचुरली भी समय से पहले लोगों में पाई जा सकती है। और तीसरा एक और मुख्य कंडीशन है जो कि आज के केस में स्किन को ख़राब करता है, वो ये कि आपको एक नहीं हुए थे, आपने उसके लिए लेजर करवा लिया, आपने मेजर एंटीबायोटिक्स कर ली, आपने उनको फोड़ दिया, तो आपने देखा कि स्किन में एक ने तो ही साथ में लाल निशान और काफ़ी छेद वगैरह हो गए जो कि लेजर से हो जाते हैं। और इसके अलावा स्कार्स, टिश्यूज, ब्लेमिशेस, ये चीज़ें कभी कभी हम बहुत सारी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, रेटिनॉइन और बहुत सारे ब्लीचिंग क्रीम्स का। आप देखेंगे कि आप धूप में जाएंगे तो आपका स्किन रेड हो गया है, काफ़ी पतला हो गया है, और उसमें वो चमक नहीं रह गई है जबकि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट स्किन डॉक्टर्स के करवाए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं ये तीनों चीज़ों के ऊपर अलग अलग लेवल पे बात करूंगा, किस तरीके से डॉक्टर असंगीस की रेजिन थेरेपी, फेस लिफ्टिंग थेरेपीज और मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें स्पेसिफिकली बायोकेमिक सॉल्ट्स, सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसमें सिमिलिमम बायोकेमिक सॉल्ट्स, मदर टिंचर्स, एसेंशियल ऑयल्स, इनका बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मेडिकल डायग्नोसिस का इस्तेमाल किया गया है कि क्या कोई मेटाबॉलिक कॉज तो नहीं है, उसको भी रिमूव किया गया, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी तो नहीं, उसको भी रिमूव कैसे किया जा सकता है। आचार व्यवहार, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, इन सबको मिलाकर जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं इनको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक प्रोटोकॉल। इनमें रेजन थेरेपी आती है और इनमें सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स भी आती है। ये दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर असंगीस में जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट है बहुत ही नेचुरल, इसमें कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं है, 100% सेफ, 100% इफेक्टिव, और मैंने इसको 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखा है। 10 में से 8 पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर करते हैं, और मुझे उम्मीद है अगर आपने मुझे फॉलो किया यू विल रिकवर वेरी वेल। How to take care of them? See, जब भी आपको कोई भी स्किन की कंडीशंस डेवलप होती है तो हमें पता रहता है कि हमारा स्किन सेंसिटिव है। ऐसे सभी स्किन पे एक बहुत ही थिन लेयर्ड, बहुत ही सिंपल सा मॉइस्चराइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। ये मॉइस्चराइज़र वेस्टिन मिल्क के रूप में भी आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी चिपचिपे मॉइस्चराइज़र, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज़ करिए, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। दिन में 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, दैट्स नॉट ए मेडिसिन, दैट कीप्स योर स्किन वेरी वेल, दैट इज़ कॉल्ड कैलेंडुला। तो उसको भी उस मॉइस्चराइजर में एक छोटा सा बिट मिला लें और वो स्किन पे एक बार मॉर्निंग में आप उसको मेकअप वर्क के रूप में ले सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर स्किन थ्रू आउट द डे। नॉर्मल भी कंडीशंस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगेन कोकोनट मिल्क का यूज़ करें, या कोकोनट के जो मिल्क है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसका आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो भी मॉइस्चराइजर्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मेटिकली आप हर चीज आपको सूट नहीं करेगी, इसलिए कम से कम कॉस्मेटिक यूज करें। तीसरा, आप कोशिश करें कि स्पा या स्किन पे पीलिंग, ओजोनोलिसिस और लेजर्स, या कभी कभी हम अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए लेजर्स का यूज करते हैं या क्रायोथेरेपी, उसका यूज नहीं करिए, बिकॉज उसे एक ने खत्म हो या ना हो लेकिन आपकी स्किन खराब हो जाता है। तो मेरे बोलने के हिसाब से ये एक क्योरेबल कंडीशन है, अगर अच्छे ढंग से इसकी डायग्नोसिस की जाए तो मैनेजमेंट और क्योर के साथ आपका स्किन काफ़ी साफ हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल में मैंने देखा है पेशेंट को ठीक होते हुए, मैंने उनकी पिक्चर्स भी डिस्प्ले के लिए लगाई हुई है, आप लोग भी नेट पे उसको
ऑनलाइन देख सकते हैं, और आप इसकी एडवाइस के लिए मेरी टीम से आप इंडिया में किसी भी कोने में मिल सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली मिले, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से बहुत प्यार करता हूँ, पेशेंट्स को ठीक करने से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हेल्दी रहें, लोग खुश रहें, लोग कम से कम ड्रग्स लें, लोग बीमारी को एक बीमारी को उस एंगल से ना देखें कि बीमारी क्यों हो गई। बीमारी नहीं होती आपको, अगर आप हेल्दी हैं और आपके नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव है लाइफ के लिए, तो बीमारियां जैसी कोई चीज़ नहीं आती है। और हम चाहते हैं कि लोग के अंदर ये नज़रिया डेवलप करें, कम से कम ड्रग्स का यूज़ करके और मैक्सिमम एडवाइस देके, जिससे कि ड्रग्स भी आपके बंद हो जाए आने वाले दिनों में। आप डॉक्टर ससंगी क्लिनिक पे मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेरे मेलिंग आईडी है thy.relief@gmail.com, which you can always search out at Dr. Sasangis. You can call me, you can meet me at any of the clinics with us at Delhi, Lucknow and Bangalore and Mumbai also in the coming months. So you can meet my team also. They are quite loving, caring, and they are present everywhere. And I'm sure Dr. Sasangis mein treatment lene se aapki itne to better hogi, saath mein aapki immunity build up hogi, and you will be quite change persona. Face pe glow aayega, I'm sure about it. I've got an experience of seeing such patients recovering more than what I expected. So, is umeed ke saath ki aap is jagah se kuch cheezon ki jankari lenge, aur samay constraint ke antargat main lamba nahi de sakta hoon, tutorials bahut lamba tutorial hai ye, to main isko band karunga, aur is umeed ke saath ki aap yahan se kuch na kuch lekar jayein. Thank you for listening to me. Aapne mujhe suna aur meri har baaton ko sunte hain aakhir tak. Iske liye aapke andar baithe hue ishwar ko main pranam karta hoon. All the best. Thank you.